अरे लड्डू बताओगे मुझे ये बताओ मैं पैसे कैसे कमाऊँ मुझे बताओ ना मैं पैसे कैसे कमाऊं हमारे एक आ, यूट्यूबर है गौरव तनेजा जी फ्लाइंग बीस्ट बहुत फेमस है इज़ कैसे हैं आप लोग सो so, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता हूं और उन किताबों से जो ज्ञान मिलता है और अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो आपके साथ कोशिश करता हूं कि शेयर कर लूं और आप लोग उसे बहुत अप्रिशिएट भी करते हो बहुत अच्छा लगता है सो so, हमने एक फाइनेंशियल लिटरेसी का जो दारोमदार उठाने की कोशिश की है उसमें so, आप लोग बहुत साथ दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ़ाइनेंशियल लिटरेसी क्लब आपके लिए अलग से अवेलेबल है अगर आप फाइनेंशली अपने आप को लिटरेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई पैसे नहीं है उसके उसका लिंक वगैरह मैं आपके साथ नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते हैं कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है वैल्यू इन्वेस्टिंग कौन करता है वैल्यू इन्वेस्टिंग किसको करनी चाहिए राइट आप स्टॉक मार्केट में एक्चुअली में इन्वेस्ट करना चाहते देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ यू नो स्टॉक मार्केट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ समथिंग बिग वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग चीज़ें हैं बट अभी के लिए इस सेशन में हम लोग बातचीत करते हैं आपसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कैसे बने ये इतना बड़ा सवाल है मेरे पास हर थोड़े समय बाद जो है सवाल घूम फिर के आता है और हमें हम कहीं ना कहीं ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंस मतलब समझ लगे पैसा 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 बस पैसा होना चाहिए हमारे पास जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सी पैसा कितना होना चाहिए टोटली डिपेंड करता है आप कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपकी नीड्स क्या हैं आपका लाइफ क्या है बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है कि कितना पैसा जो है ज़रूरी मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का सिंपल सा मीनिंग है क्या देखिए पता है क्या है जो पुरानी बातें हैं ना वो बिल्कुल आज भी उतनी ही सच है जितनी वो पुराने टाइम पे सच होती थी टाइम इज़ मनी क्या स्टेटमेंट है यार मतलब माइंड बॉगलिंग अगर आप बैठेंगे इसके साथ कभी सोचेंगे इस बारे में तो आपको समझ आएगा कि यस टाइम इज़ मनी और ये बात कितनी पहले कह दी गई थी और कि ये कितनी सही बात है और ये कितने समय तक मुझे लगता है कि दुनिया के अंत तक ये चीज़ जो है बिल्कुल सही रहने वाली है टाइम इज मनी अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो व्यक्ति अपने समय पे कंट्रोल कर सकता है जो व्यक्ति अपने समय पे जो है कंट्रोल कर सकता है उसे मैं बोलूँगा कि भाई वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट है राइट right. जो व्यक्ति अपने हिसाब से अपने समय को चला सकता है राइट right. मैं उसे बोलूँगा कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है जो व्यक्ति जिस चीज़ को एन्जॉय कर, करता है जो चीज़ उसे अच्छी लगती है ऑब्वियसली पॉजिटिव मैनर में एक एक मैं इसको ऐसे नहीं कि भाई किसी को भाई दारू पीने चलते तो दारू पिए जा रहा थे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं 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 ये नहीं नेगेटिवली मत लीजिए जो व्यक्ति अपनी पॉजिटिव हैबिट्स को अपनी अच्छी हैबिट्स को परस्यू कर सकता है विदाउट एनी टाइम लाइन के अरे यार ये हो जाएगा फिर वो 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 करूँगा वो हो जाएगा फिर ये करूँगा नहीं मेरे हिसाब से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है दिस इज़ माय थॉट ऑन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यू आर वर्किंग बिकॉज यू वांट टू नॉट बिकॉज यू हैव टू मैंने कई बार ये बात जो है आपसे बोली है अब अब ज़रा यहाँ पे कुछ और बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी जो है वो शुरू कैसे करें फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका ये सुन के कई लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं कई लोग मुझे सुनाते हैं कि सर ये क्या बोल दिया सर आपने सर ऐसे दौड़ना सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये तोड़ना होता है सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब होता है पैसा 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 बरसना चाहिए पैसा हाँ ऐसा नहीं है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक मैं आपको सिंपल सा पहले स्टेप वन बताता हूँ कि क्या स्टेप आपको लेना चाहिए आप किसी भी उम्र में हैं आप आज से शुरू कीजिए सबसे पहले सबसे पहले आप अपनी जो करंट इनकम है ना जिस सोर्स से आप पैसा कमाते हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए अगर वो सोर्स ही खत्म हो गया या वो इनकम ही खत्म होगी तो कहाँ से बनोगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कहाँ से लाओगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जिस पैसे को इन्वेस्ट करके कंपाउंड करके आप वेल्थ क्रिएट करके अपने आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कहलवाना चाह रहे हो वो पैसा कहाँ से लाओगे तो इसलिए स्टेप वन मेरे भाइयों मेरे दोस्तों मेरे प्यारों ये है कि आप लोग ये सोचें कि आपकी एक्टिव इनकम कहाँ से होगी आपकी जो करंट इनकम है वो कैसे बढ़ेगी इन दो चीज़ों पे सोचिए अगर इनकम नहीं है तो ये सोचिए इनकम कहाँ से होगी और दूसरा एस्पेक्ट ये सोचिए कि भैया वो इनकम बढ़ेगी कैसे हमें सपने दिखाए जाते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इतना पैसा बन जाएगा वो देखो उसने कितना कॉर्पस बना लिया है वो देखो कितना अमीर बन गया है ये हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लो वो हमारा सब्सक्रिप्शन खरीद लो हम बताएंगे कौन सा शेयर हम बताएंगे कौन सा म्यूचुअल फंड अरे लड्डू बताओगे मुझे ये बताओ मैं पैसे कैसे कमाऊँ मुझे बताओ ना मैं पैसे कैसे कमाऊँ मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि भाई पैसे कैसे कमाएँ राइट तो बहुत आराम से बैठिए शांति से सुनिए इस बात को पूरा डिटेल में सुनिएगा आप लोगों को सबसे पहले अपनी एज के हिसाब से आप देखिए कि आप क्या काम जो है वो कर रहे हैं क्या काम कर सकते हैं आप कौन सा कोर्स फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं भाई ढंग से करो अच्छे से करो सर इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट को कंपनी देगा है। सर वो बड़ी बड़ी कंपनी बना के बैठे हैं कितने सर कैरी मीनाठी को हमने देखा है सर वो कैरी मीराठी सर कितना बड़ा यूट्यूबर है कितना बड़ा इन्फ्लुएंसर बिल्कुल है एंड आई रियली अप्रिशिएटेड कि भाई वो है उस बंदे ने जान लगा दी अपनी लेकिन कितने हैं राइट सो so, इसमें इसमें नहीं जाते क्योंकि फिर आप बोलोगे नहीं सर ये भी है वो भी है भाई एक्चुअली क्या है ना कि हमें सक्सेस दिखती है कितने लोग फेल हो गए इस मिशन में इस पॉइंट पे वो नहीं दिखता है और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि प्लान बी अपनी बेसिक एजुकेशन प्लीज़ कंप्लीट रखें और बेसिक एजुकेशन में आज की डेट में क्या आता है कि भाई ट्वेल्थ तो है ही है उसके बाद आपकी ग्रेजुएशन हो तो बहुत अच्छी बात है किसी स्पेशलाइज्ड एरिया में आपकी ग्रेजुएशन हो तो और अच्छी बात है कोई प्रोफेशनल कोर्स हो तो ये बेसिक चीज़ होगी आज की डेट में यू मस्ट हैव इट क्लास टेंथ ट्वेल्थ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सी ए सी एस सी एम ए इंजीनियरिंग कोई ना कोई एक आपके पास जो है वो स्किल सेट होना चाहिए राइट right. आप एक तरफ कैरी मिनाटी को देख रहे हैं मैं आपको और बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स दिखाता हूँ जो हाईली क्वालिफाइड है हाईली क्वालिफाइड हैं एंड देन दे आर डूइंग यूट्यूब एंड इट्स यू नो इट्स नॉट बैड हमारे एक यूट्यूबर uh, है गौरव तनेजा जी फ्लाइंग बीस्ट बहुत फेमस है पायलट थे आई थिंक उन्होंने आई से अपनी इंजीनियरिंग करी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन आई मैंने बहुत बार उनकी वीडियो के आसपास सुना और देखा है तो मुझे ऐसा लगता है ही इज़ फ्रॉम आई और उन्होंने बहुत कुछ अच्छे ही फील्ड में जो इंजीनियरिंग करी होगी आई 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 हैव नो आइडिया और दैट सॉरी सॉरी अगर आप लोग उनके फैन हैं तो सो माई पॉइंट इज़ कि वो जब वो यूट्यूब कर रहे हैं तो मुझे लगता बहुत है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया है इट्स गुड हीज़ अ क्वालिफाइड मैन अब मैं फिर ये नहीं बोल रहा कि यूट्यूब के लिए भाई आई होना ज़रूरी है आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट समझे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी एक्टिव इनकम पहले आप देखिए ना अगर मैं गौरव तनेजा जी की बात करता हूँ तो तनेजा साहब की पहली एक्टिव इनकम कैसे हो रही थी ही वॉज़ आइट ही वॉज गेटिंग गुड सैलरी राइट एंड हिज वाइफ इज आई थिंक अभी वो पायलट हैं राइट तो उनको अच्छी सैलरी मिल रही है फिर उसके बाद ग्रेजुअली ही शिफ्ट टू यूट्यूब और जो भी उनका रहा ए रे के साथ जो भी उनका कॉन्ट्रोवर्सी uh, हुई बट ही शिफ्ट टू यू फुल टाइम नाउ इज अर्निंग वेरी गुड राइट सो अब ये देखिए कि अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि गौरव तेनेजा जी या कोई भी यूट्यूबर जो होंगे वो अपने माइंड में हमेशा रखते होंगे एक सेकेंड लाइन ऑफ इनकम यूट्यूब इज ऑल्सो वेरी अनसर्टन माई होल पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज एक्टिव इनकम इज रियली इम्पॉर्टेंट रियली इंपॉर्टेंट अगर आपकी एक्टिव इनकम नहीं है आप पैसे इनकम जनरेट नहीं कर सकते एक्टिव इनकम करने के लिए आपको स्किल्स चाहिए मार्केट में अब इंजीनियर्स की बात कर लें या सी की बात करें किसी भी कोर्स की बात कर लें आजकल किसी कोर्स की वैल्यू रह नहीं गई है वैल्यू हो गई बंदे की उस बंदे के पास वो स्किल्स हैं जो मार्केट में चाहिए तो वो बंदा बिक रहा है चाहे सर डिग्री कोई सी भी हो फिर उसके पास राइट लेकिन स्किल्स ज़रूर चाहिए अपने आप को तो आप जो भी कर रहे हैं उसको अच्छी तरह करिए उसमें एक्सीलेंस तक जाइए उसमें उसमें सोचो कि भाई मैं इस फील्ड में सबसे बेहतरीन लोगों में से एक कैसे बन सकता हूँ ऐसे मत सोचो मैं सबसे बेहतरीन बन जाऊँ आप एटलीस्ट ये तो सोच सकते हो मैं सबसे बेहतरीन लोगों में से एक कैसे बन सकता हूँ मुझे किसी के सर पर चढ़ के आगे नहीं बढ़ना है मुझे उसके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होना है जो सबसे आगे खड़ा है राइट right? तो ये थॉट्स आप दीजिए स्किल्स की तरफ एजुकेशन की तरफ एक्टिव इनकम की तरफ ध्यान रखिए जब आपके पास ये एक्टिव इनकम आनी शुरू हो जाएगी देन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बिगिनस राइट और अगर अभी भी आप हो सकता है कोई आप स्टूडेंट आप हो लेकिन आप आपके भी, भी एक्टिव इनकम हो सकती है आप स्टूडेंट हो आप किसी और को पढ़ा रहे हो हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल ही हो आप आप पार्ट टाइम राइटर हो आपका इंटर्नशिप करते हो और इंटर्नशिप हमेशा पेड इंटर्नशिप करो ना यार फ्री इंटर्नशिप क्यों मैंने अपनी लाइफ में आज तक कम से कम नहीं तो पचास से साठ इंटर्न रखे होंगे और कोई भी इंटर्न कभी फ्री में नहीं रखा कभी भी क्योंकि मुझे पता है यार उस बंदे की भी तो नीड है उसका भी तो घर चलना है थोड़ा बहुत तो चलना है एटलीस्ट उसके पर्सनल खर्चे तो चलने हैं हमसे राइट सो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं आपके जो भी ये इनकम आनी शुरू होगी देन यू नो आपके पास पहली बार पैसा आएगा इन्वेस्ट करने के लिए अदरवाइज़ आपके पास जो है वो पैसा ही नहीं है इन्वेस्ट करने तो कहाँ से करोगे आप ओके सो अपने आप को फाइनेंशली इंडिपेंडेंट बनाने का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है अपने, बनाए। अपने बनाए, बनाए। आप को स्किलफुल बनाएँ अपने आप को एबल बनाएं कैपेबल बनाएं इवन आप बोलोगे सर राकेश झुंझुन वाला साहब ने तो ऐसा नहीं किया था कि वो उन्होंने अपने आप को केपेबल बनाए अरे भाई वो उन्होंने अपने आपको इतना कैपेबल बनाया था कि वो आराम से जो है वो स्टॉक्स की जानकारी रखते थे और स्टॉक्स में वो चूज़ कर पाते थे वो उस तरह के कैपेबल थे उनका फील्ड यही है ओके okay? सो so, अगर आप एक बार अपने आप को कैपेबल बना लेंगे आप अपने आप को एबल बना लेंगे आप अपने आप को स्किलफुल बना लेंगे आप अपने आप को मार्केट रेडी बना लेंगे यू विल स्टार्ट अर्निंग एंड आउट ऑफ दैट अर्निंग यू मे स्टार्ट इन्वेस्टिंग जब आपको लगे कि दिस इज द राइट टाइम जब आपको राइट नॉलेज मिल जाए क्योंकि राइट टाइम तो सर जी अभी है इन्वेस्ट करने का राइट अगर आपके पास अभी एक रुपये है तो मैं बोलूंगा जाके इन्वेस्ट कर दो अस्सी पैसे कहीं पर जाके इन्वेस्ट कर दो राइट right. सो so, जब आपके पास सर इस तरह का पैसा आने लग जाए पैसा फ्लो होना शुरू हो जाए आपके पास कैश आना शुरू हो जाए मनी आना शुरू हो जाए इन्वेस्ट कीजिए अब जब आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे आपके पास हजारों ऑप्शन हैं आज की डेट में हज़ारों ऑप्शन स्ट्रेट फ्रॉम बैंक की एफ डी टू क्रिप्टो करेंसी वहाँ पर आपको अब चाहिए होगी नॉलेज और कीप इट वेरी सिंपल इट्स वेरी सिंपल आप लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस इंडेक्स फंड्स अपना डायरेक्ट इक्विटी अगर आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई है तो आप डायरेक्ट इक्विटी एक्टिव म्यूचुअल फंड बल्कि इस ऑर्डर में मेडिकल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पी पी एफ सुकन्या समृद्धि स्कीम मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शन बताऊँ जो बहुत ही सही हो और जहां मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ फिर से शुरू करने पड़ेंगे मेडिकल इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पी पी एफ सुकन्या समृद्धि स्कीम लिक्विड फंड आर्बिट्राज फंड ये सबके अलग 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 सबका टारगेट है अगर आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है और आप आर्बिट्राज फंड में या लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करो तो भाई बुद्धू हो तुम ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना पड़ेगा पीपीएफ किस लिए होता है उसका अपना अलग पर्पस है सुकन्या समृद्धि का अपना एक अलग पर्पस है लिक्विड फंड फंड आर्बिट्राज डेट फंड्स का अपना पर्पस है डन और डायरेक्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का एक्टिव म्यूचुअल फंड्स का अपना एक पर्पस है इंडेक्स फंड का अपना एक पर्पस पर्पस है तो वो समझते समझते आप धीरे धीरे इनके अंदर इन्वेस्ट करें उसको कॉम्प्लिकेट ना करें लिमिटेड ऑप्शंस रखें अपने पास मैं फिर एक बार बोल देता हूँ हेल्थ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए लाइफ इंश्योरेंस जरूर होना चाहिए उसके बाद यू मस्ट हैव यू मस्ट हैव इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट इन डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक पी पी एफ सुकन्या स्कीम ये इतने ब्यूटीफुल है ना मैं आपको कभी भी इनको ओवर एक्जाजरेट नहीं कर सकते सर ये क्या कमाल की चीज़ है राइट तो ये पी पी एफ सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया उसके बाद इंडेक्स फंड ये और एक्टिव म्यूचुअल फंड छह चीज़ें तो मैंने आपको बता जो आपको करने लेनी चाहिए एक्टिव म्यूचुअल फंड चूज़ करने में फिर भी थोड़ा समय लगेगा इंडेक्स फंड चूज़ करना कितना आसान है इंडेक्स फंड आप जब चूज करने बैठेंगे आपको बस ध्यान में रखना है कि भैया एक्सपेंस रेशियो कम से कम हो साइज जो है ए यू एम जैसे बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा हो राइट ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए और ट्रैकिंग एरर कम से कम हो ये तीन चीज़ें ध्यान में रखिए बस ये तीन चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे सर आप आराम से जो इंडेक्स फंड चूज़ कर पाएंगे एक्टिव म्यूचुअल फंड के बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं वो मैं कभी आपके साथ जो है बैठ के डिस्कस कर दूंगा आप उसके बेसिस पे एक या दो एक्टिव म्यूचुअल फंड ले सकते हैं इससे ज़्यादा आपको जरूरत नहीं है और जब एकदम अपरंपार ज्ञान हो जाए अपरंपार ज्ञान हो जाए तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ भी जाइए कौन रोकता है आपको लेकिन उससे पहले अपरंपार ज्ञान हो जाए सीखिए लर्न कीजिए हाउ टू पिक स्टॉक्स हाउ टू चूज स्टॉक्स एंड हाउ टू चूज स्टॉक कोई आधे घंटे का कोर्स नहीं है कि मैंने तुम्हें बताया आधे घंटे में इट विल टेक ईयर्स फॉर यू टू लर्न राइट एक इमरजेंसी फंड है उसको बना के रखिए एक अपॉर्चुनिटी फंड है जो शायद आपको किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा बट मैं हमेशा उसके बारे में बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी फंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी फंड ये भाई किसी एएमसी का कोई फंड नहीं है इट्स अ टर्म जो मुझे लगता है मैंने ही बनाया भाई कई बार डिस्कशन मैंने इसको यूज़ किया मैंने और कहीं नहीं सुना है इट्स अ टर्म फॉर कीपिंग कैश विद यू कैश रेडी विद यू क्योंकि हो सकता है मार्केट में कभी कभी बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आती है उस समय हमारे पास असला कैश जो है वो ज़रूर जरूर जरूर होना चाहिए इससे निकाल के बमबारी कर दें राइट सो ये है सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनने के जो रहा है वो इस तरह से जो है होकर निकलती है अगर आप ये सारी चीज़ें मानेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत आसानी से जो अपने आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर पाएंगे और याद रखिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत नहीं है बट डिसिप्लिन की ज़रूरत है पेशेंस की ज़रूरत है डिसिप्लिन की ज़रूरत है पेशेंस की ज़रूरत है नॉलेज की ज़रूरत है राइट right. ये तीन चीज़ें अगर आपके पास हैं कि नॉलेज उसके बाद आपका डिसिप्लिन और फिर पेशेंस तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं क्यों नहीं बन सकते कोई बन सकता है मैं आपको बता रहा हूँ कि गरीब से गरीब व्यक्ति जो भी बहुत कम पैसे कमाता है इसको किसी और में मत लीजिएगा मैं किसी के गरीबी का या किसी के पास कम पैसे होने का मजाक नहीं उड़ा रहा मैं बोल रहा हूँ कि सर जिस व्यक्ति के पास कम पैसे भी है ना वो भी शान से रिटायर हो सकता है अगर उसके पास नॉलेज हो डिसिप्लिन हो पेशेंस हो बस नॉलेज डिसिप्लिन पेशेंस ये तीन चीज़ें ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा कि भाई मान लो कि पिलर्स हैं इन्वेस्टिंग के आज ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज नहीं है फिर कुछ लोगों के पास डिसिप्लिन नहीं है नॉलेज है तो डिसिप्लिन नहीं है और डिसिप्लिन है तो पेशेंस नहीं है डिसिप्लिन discipline के डिसिप्लिन से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भाई आपने एस आई बी शुरू कर दी आप पहले क्या करते थे आप अनवन इवेस्टिंग करो पाँच पाँच महीने इन्वेस्टिंग नहीं, नहीं करी एक महीने इन्वेस्टिंग करी तो उसका डिसिप्लिन बना के सबसे आसान तरीका एस आई बी शुरू कर दो पेशेंस आपका म्यूचुअल फंड आपने जिसमें इन्वेस्ट किया वो भाई बीस परसेंट नीचे आपके हाथ पैर फूल गए आपने विड्रॉ कर लिए वहाँ से अगर आपने पूरा दिमाग लगा के सारे क्राइटेरियाज देख के इन्वेस्ट किया था तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं क्या बोलता हूँ भाई हमारे हमारे बड़े बुजुर्ग वॉरन बफे चार्ली मंगर पीटर लिंच ये सब ये बातें बोलते हैं अगर आप अपने स्टॉक्स को 50-60 परसेंट नीचे जाता हुआ नहीं देख सकते अपनी इन्वेस्टमेंट को तो स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट आपके लिए नहीं है फिर है ना डेट में रहो ना आपको कोई दिक्कत नहीं है डेट फंड्स के अंदर है ना आप रहो वहाँ आप पर छः सात आठ परसेंट कमाओ बीस परसेंट का टैक्स दो कोई दिक्कत नहीं है जो इनकम होगी उस पर बीस परसेंट का टैक्स तो ये बातें सब ये आपको एक ज्ञान चाहिए इसका एक होल सम ज्ञान चाहिए आपको राइट उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं थोड़े बहुत पैसों से आप ये भी इंजॉय भी कर सकते हैं आप रिस्क भी ले सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जिनमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं राइट एंड अल्टीमेटली एक बात और बोलूँगा कि ये भी बात अपने साथ साथ एक बैलेंस बनाने वाली बात है कि फ्यूचर के चक्कर में ऐसा ना हो कि पास्ट बिल्कुल बर्बाद कर दिया आपने पास्ट को इंजॉय करना है इन्जॉय करने का मतलब ये नहीं है कि आपने अननेसेसरी चीज़ें खरीदनी आपने एटलीस्ट जो आपकी काम की चीज़ें हैं एटलीस्ट जो आपको लगता है कि आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस माइक की बात बताता दूँ दिस माइक दिस माइक अभी ये लोग माइक लोग बाकी ये माइक भी कॉपी कर लेंगे लोगों के पास तो कॉपी करने कर लो यार मतलब ये मेरी कोई पेटेंट थोड़ी ना लेकिन ऐसे क्रेडिट रेट तो बता तो यहाँ देखा था छोटे ओके हाँ तो वैसे ये माइक है सर ये माइक जो है ये आपको अप्रोक्सीमेटली बाईस तेईस हज़ार रुपये का पड़ेगा सो मैं ये माइक अपने लिए एक्सपेंस नहीं मानता हूँ ये माइक मैं अपने लिए क्या मानता हूँ इन्वेस्टमेंट मानता हूँ राइट ये मैंने माइक खरीदा इसको मैंने मैं बोल रहा हूँ कि सर ये मेरी इन्वेस्टमेंट है और मेरी इन्वेस्टमेंट है सर इसको मैंने आराम से लिया और अब देखो मैं इसको कैसे यूटिलाइज कर रहा हूँ मैकबुक आप देखते होंगे मेरे बस मैंने भी एक लेटेस्ट आईफोन भी लिया है क्यों मैंने अपना लॉगिंग चैनल शुरू किया मैंने उसके लिए इन्वेस्टमेंट करी है राइट right. और ये सब चीज़ें में मतलब जो मैं अर्न करता हूँ उसके सामने उसके हिसाब से सर ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत छोटी छोटी सी हैं मैं मतलब मैं कोई ये अपने आप को भाई ऐसे नहीं दिखाना चाहता कि देखो मैं कितने पैसे कमाता हूँ ये वो बट यू नो विद माई लेवल ऑफ इनकम मैं समझ लो कि भाई ये बहुत छोटे छोटे फ़ोन खरीद रहा हूँ मतलब अपनी मेरे लिए एक बहुत कम खर्चा है और मैं इसको खरीदता हूँ तो वो भी इसी एंगल से नहीं तो मैं आईफोन अपना पुराने वाला यूज़ कर रहा था भाई मैं मैंने अपने टीम से बात करी कि भाई मुझे व्लॉगिंग करनी और व्लॉगिंग मैंने कंटिन्यू करी तब उन्होंने मुझे ये बाय करने दिया आज के डेट में नब्बे अस्सी जो है व्लॉग्स जा चुके हुए नाइटी से ज़्यादा राइट मैकबुक्स आप देखते हो भी एक यहाँ पर पड़ा है मैकबुक अभी एक और लिया नया इन्वेस्टमेंट है राइट तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि भाई कहीं ये ना भूल जाओ कि भाई फ्यूचर के चक्कर में आप करंट इन्वेस्टमेंट्स जो आपको ज़रूरत है जिससे आप और एक्टिव इनकम अगेन बढ़ा सकते हो वो मत छोड़ देना राइट सो ये यार कुछ मेरी अनस्क्रिप्टेड बातें थी दिमाग में कुछ नहीं था कि क्या आपके साथ क्या बात करनी है बस ये था कि बताना है आपके साथ बैठना है और शेयर करनी है चीज़ें राइट मुझे पता है भाई ये शॉर्ट्स के ज़माने में रील्स के ज़माने में ये बीस मिनट का वीडियो कौन देखेगा बैठ के जो भी देखेगा मैं बता रहा हूँ उसे ज्ञान की उपलब्धि होगी मोक्ष की उपलब्धि होगी प्राप्ति होगी और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना चाहे एक बंदा पूरा देखे चाहे एक बंदा पूरा देखे मैं खुश हूँ यार YouTube वॉज नेवर अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर मी एंड इट विल नेवर बी पक्की बात है मैं अपने जो मेन चैनल चलाता हूँ जिसपे सबसे ज्यादा व्यूज़ आते हैं जिसपे सात करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ है वो मैंने monetize ही नहीं कर रखा है राइट right? क्योंकि मुझे लगता है कि नो इट्स इट्स यू नो वो मेरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है सो so ये बातें भाई और कोशिश करूँगा हमेशा और देखो कोशिश करूँगा ये बोल रहा हूँ ये यही ऑनेेस्ट है मैं कह रहा हूँ कोशिश करूँगा कि नेेनेस्ट रहूँ जितना ऑनेस्ट रह सकता हूँ उतना ऑनेस्ट रहूँ जितना ट्रांसपेरेंट रह सकता हूँ उतना ट्रांसपेरेंट रहूँ जी ये बोल देना होगा भाई बिल्कुल ही ऑनेस्ट है भैया वही दिक्कत है तो कोशिश करूँगा भाई पूरे पूरी पूरी ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के साथ अपनी लर्निंग्स शेयर करूँ चाहे वो फ्री यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू हो चाहे हमारे स्किल नाइन्टी के कोर्सेज़ हैं उनके थ्रू हो या चाहे हमारे और बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं जो भी हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं चाहे फ्री है चाहे पेड है उनके थ्रू हो लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप लोगों से मिलते रहें बातचीत करते रहें आप लोगों के साथ जुड़े रहें राइट चलिए अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो भाई वाकई में आप मुझसे बहुत प्यार करते हो क्योंकि यहाँ तक वही पहुँच सकता है वही व्यक्ति पहुँच सकता है जो भाई मुझसे बहुत प्यार करता हो राइट right? मेरी बातों से इंस्पायर होता हो जिसे मुझे सुनना अच्छा लगता हो तो आपके लिए बहुत, बहुत बहुत दिल से आपको बहुत बहुत थैंक थैंक यू धन्यवाद स्टे कनेक्टेड स्टे हैड जय हिंद और हम मित्रों सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद ऑल दी बेस्ट गॉड ब्लेस यू